नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। सीआईबी इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पेश करते हैं आज के बुलेटिन में देश और दुनिया की तमाम खबरें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा माफियाओं का बोलबाला, बगैर मान्यता के धड़ल्ले से चला रहे हैं इंटर कॉलेज और सरकार को लगा रहे हैं लाखों का चूना। ऐसा ही कुछ चल रहा है हरदोई के तहसील शाहबाद के ग्राम आदमपुर में, जहां बगैर मान्यता लिए ही हाई स्कूल व इंटर की पढ़ाई कराई जा रही है। और हैरत की बात यह है कि किसी भी अधिकारी की निगाह इस पर नहीं पड़ती है, या शायद जानबूझकर इस ओर से आंखें बंद हैं, क्योंकि शिक्षा से जुड़ा ये खेल कोई नया नहीं है, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। शिक्षा माफिया अपने विद्यालय में बच्चों की पढ़ाई करवाते हैं और परीक्षा देने के लिए फॉर्म दूसरे स्कूलों से भरा जाता है। ऐसा ही एक स्कूल शाहबाद से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर लोनी मिल के पास संचालित हो रहा है, जो कि सीधा सीधा शासन के मंसूबों पर पानी फेरता दिख रहा है। लेकिन इस तरफ जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाता है, जिसके कारण शिक्षा माफिया बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने व शासन को चूना लगाने में सफल होते हैं। स्कूल पर ना तो बोर्ड लगा है और ना ही मानक पूरे हैं। इस संबंध में जब स्कूल प्रबंधन से पूछा गया तो प्रबंधक सीधे सीधे दबंगई पर उतारू हो गया। बहरहाल देखना यह है कि बात संज्ञान में आने के बाद जिम्मेदारों द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है। क्लास कौन सा है, कौन सा वर्ग है आपका? साइंस साइड है, आर्ट साइड है? आर्ट साइड है। बच्चों आप कौन से क्लास में पढ़ते हो? और क्या स्कूल का नाम है? मान्यता कितनी है? 8 तक। कच्चा 8 तक। क्लास और क्लास किस क्लास तक चला रहे हैं आप? हाई स्कूल तक। इंटर तक है? इंटर तक चला रहे हैं। इंटर कोचिंग पढ़ाते हैं। कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है आपकी? कराया है अभी। कब? प्रोसेस में पढ़ा हुआ है। प्रोसेस में पढ़ा हुआ है? अभी हुआ नहीं है। अभी हुआ? कब से है प्रोसेस में पढ़ा हुआ? 7 तारीख। चलिए ठीक, वो भी कन्फर्म हो गया।